क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आपकी 10वीं कक्षा की जो है वो इंग्लिश का चैप्टर्स हैं। तो इसकी समरी है कि हॉरेंस डेनवी वाज अनमैरिड मैन। हॉरेंस डेनवी एक अविवाहित व्यक्ति था। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल का था। ही वाज गुड नेचर, अच्छे स्वभाव का था। देयरफॉर एवरीवन लाइक हिम, हर कोई उसे पसंद करता था। ही वाज सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन ऑफ सेफ ओपनिंग, वो ताले को खोलने में अपने इस व्यवसाय में बड़ा ही निपुण था, सक्सेसफुल था, सफल था। ही हैड ए कीन डिज़ायर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, उसकी इच्छा थी कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को, यानी कि अनोखी और महंगी पुस्तकों को खरीदे। ही नीडिड ए लॉट ऑफ मनी टू बाय दीज बुक्स, इन पुस्तकों को खरीदने के लिए उसे बहुत पैसे की आवश्यकता थी। ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी टू बाय दीज बुक्स, इन किताबों को खरीदने के लिए उसने चोरी करने का निश्चय किया। ही वॉज ए टिपिकल थीफ, वो एक अनोखा चोर था। ही रॉब्ड जस्ट वन सेफ एवरी ईयर, वो केवल एक ही तिजोरी को लूटता था प्रतिवर्ष। ही रॉब्ड ओनली दोज हु हैड ए लॉट ऑफ मनी, और केवल उन्हीं को लूटता था जिनके पास बहुत सा धन होता था। ही नेवर हर्ट एनी बॉडी, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता था। वंस हॉरेंस डेनवी वेंट टू रॉब ए हाउस, एक बार वो एक मकान को लूटने के लिए गया। ही प्लान्ड हिज वर्क प्रॉपर वेरी केयरफुली, उसने अपनी योजना को बड़े ही सावधानी पूर्वक बनाया। ही हैड कलेक्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस, उसने उस घर के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त की। सो ही वाज श्योर ऑफ ही सक्सेस, इसलिए उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। ही वैन ही वाज ब्रेकिंग द सेफ, जब वो तिजोरी को तोड़ रहा था, ए वुमेन ड्रेस्ड इन रेड अपेयर्ड एट द रूम, एक औरत जो लाल कपड़ों में उसके सामने प्रकट हुई। सी एक्सपोज्ड हरसेल्फ टू बी मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, उसने अपने आप को जताया कि वो इस घर की मालकिन है। सी थ्रेटेंड हिम दैट शी वाज गोइंग टू कॉल द पुलिस, उसने उसे धमकी दी कि वो पुलिस को बुलाने जा रही है। हॉरेंस डेनवी डिड नॉट लाइक टू गो टू प्रिजन, वो हॉरेंस डेनवी जो है वो जेल नहीं जाना चाहता था। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो, उसने प्रार्थना की वो उसे छोड़ दे। ही ट्राइड टू प्लीज द लेडी, उसने उस औरत को खुश करने का प्रयास किया। ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स एंड गेव हर लाइटर, उसने अपने ग्लव्स खोले और उसे लाइटर दिया। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम्स टू टेक हर ज्वेलरी, उसने उसे बताया कि वह अपनी ज्वेलरी लेने के लिए आई है। बट ही हैड फॉरगेट द की ऑफ द सेफ, परंतु वह इसकी चाबी भूल गई है। तो हॉरेंस डेनवी, यानी कि ही ओपन द सेफ, हॉरेंस डेनवी ने उसके ताला खोला। इन ए हरी ही फॉरगेट टू वियर हिज ग्लव्स, जल्दबाजी में वो अपना ग्लव्स पहनना भूल गया। लेडी वाज नॉट रियल ओनर ऑफ द हाउस, यहाँ द लगाना था, लगा लेना। तो द लेडी वाज नॉट रियल ओनर ऑफ द हाउस, वो जो औरत थी वो मकान की वास्तविक मालकिन नहीं थी। हॉरेंस डेनवी वाज अरेस्टेड, हॉरेंस डेनवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स अपेयर ऑन द सेफ, क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट्स यानी कि हाथों के निशान उस तिजोरी पर थे। द लेडी इन रेड टर्न्ड आउट टू मोर स्मार्टर एंड क्लेवर देन हॉरेंस डेनवी, तो जो औरत थी वो लाल कपड़ों वाली काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर और क्लेवर बुद्धिमान थी हॉरेंस डेनवी से। द लेडी हैड नॉट टच एनी थिंग्स, औरत ने किसी भी चीज़ को नहीं छुआ। देयरफॉर देयर वाज नो प्रूफ अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ कोई भी जो है वो सबूत नहीं थे।